हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केसेस हैं, तो इन दोनों ही केसेस को अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस साइड है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसका फोकस और जो कॉनकेव मिरर और जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। और ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस हम बनाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम दो पैरेलल रेज लेंगे, टू पैरेलल रेज, एक ये हमने ले लिया है और एक ये ले लिया है, ठीक है, डायरेक्शन दे देंगे। देन इसके बाद हमने क्या करना है, फोकस पे यहां पे हमने अपनी पेंसिल रखनी है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, एंड हमें यहां से लेके यहां तक तो बनानी है डॉटेड लाइन, और यहां के बाद सॉलिड लाइन, क्योंकि ये रियल है तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये। और अगर हम बात करें नीचे की, सो यहां से लेके यहां तक डॉटेड और यहां से लेके यहां तक सॉलिड। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने डायरेक्शंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस के ऊपर नहीं देनी है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ रियल लाइंस के ऊपर अपनी जो डायरेक्शंस है वो देनी है। सो यहां पे हमने लिख दिया M, यहां हमने लिख दिया N, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है, फोकस हमने लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिख दिया, एंड जो डायरेक्शंस हैं वो भी हमने दे दिए है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ए केस। अब इसके बाद आएगा आपका बी केस, जिसमें हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी प्लेस कर देना है। सो यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास फाइनाइट पोजिशन पे है, यहां पे वो इन्फिनिटी में था, यहां पे फाइनाइट यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कहां बनाना है, कहीं पे भी बना दो, यहां पे कुछ एफ सी बियॉन्ड सी बियॉन्ड एफ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी बना लो। सो मैं बना रहा हूं यहां, मैं बना रहा हूं अभी 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट, आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, अगर आप लोग 2 लाइंस का बनाओगे सो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। सो आप अपने लिए 2 लाइंस का बनाना। सो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, एंड देन हमने क्या करना है, फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल क्या है कि हमें पैरेलल लेके जाना है एंड देन हमें फोकस से पास कराना है। सो ये गया पैरेलल और ये जाएगा हमारा फोकस से, ओ सॉरी, यहां पे मैंने जो लाइन है वो सॉलिड कर दी है, बट इसको मुझे डॉटेड करना है। सो सिंपल सी ट्रिक आपको भी आती होगी, ठीक है, तो ये हो गई है डॉटेड, ठीक है। सो ये वाली लाइन डॉटेड हो जाएगी एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके साथ हम इसे मैच करवाएंगे, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ध्यान रखना यहां से नहीं कर देना, यहां से करना है। सो यहां से लेके यहां तक जाएगी हमारी सॉलिड लाइन और फिर उसके बाद डॉटेड, एंड जहां पे ये मीट कर रहा है यहां पे बन जाएगा हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इमेज, अब क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ही 1 सेंटीमीटर का लिया, मैंने छोटा लिया तो मेरी इमेज जो है वो इतनी छोटी बनी, अगर आप डबल साइज का ले लोगे तो आपका थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, दिखने में ज्यादा क्लियर लगेगा, ठीक है। सो यहां पे आ गया हमारा M, ये हो गया N, ये डायरेक्शन हमने दे देनी है कि ये इधर से इधर गया और फिर सेम पाथ पे ही वापस आ गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बी डैश, ये हो गया ए डैश, ठीक है। सो ये है आपके इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो यही आपको आज होमवर्क में भी करना है। तो एक होमवर्क तो आपका हो गया है रूल वाला, दूसरा होमवर्क हो गया है आपका ये रे डायग्राम्स, ये सिर्फ दो ही हैं,
ये ज्यादा नहीं है। और इसमें जो रूल्स फॉलो हुए हैं, एक तो फर्स्ट के पैरेलल से गया, फिर फोकस से डाइवर्ज हो गया, एंड देन थर्ड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया एंड सेम पाथ पे ही वापस आ गया। एंड दोनों रे डायग्राम्स के बाद आपको बनाना है ये टेबल। टेबल छोटा सा ही होगा क्योंकि सिर्फ टू ही केसेस हैं, तो टेबल भी टू कॉलम्स में ही बनेगा। सो ओके, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक केस में तो है एट इन्फिनिटी, एक है बिटवीन इन्फिनिटी टू द पोल, ठीक है, सो कहीं पे भी ले सकते हो। इसके बाद आपके पास पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी वाले केस की, अगर हम बात करते हैं फाइनाइट वाले केस की तो वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, कहीं पे भी बन जाएगी बट बिटवीन पी एंड एफ होगी। साइज की बात करते हैं तो ये होगा बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, इसकी बात करते हैं तो ये होगा डिमिनिश्ड। एंड दोनों ही केसेस में जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि दोनों ही केसेस में राइट हैंड साइड में इमेज बन रही है। सो राइट हैंड साइड में जब भी इमेज बनती है, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सो अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। दस कन्वेक्स मिरर्स एनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। सो कन्वेक्स मिरर जो है उसको मेनली हम कहां पे यूज करते हैं, रेयर व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स या फिर स्ट्रीट लाइट या फिर सिक्योरिटी मिरर्स। सिक्योरिटी मिरर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी मिरर्स कुछ ऐसे से होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ये, आप कभी ना कभी हिल स्टेशन में गए होंगे, मॉल्स की पार्किंग में गए होंगे, तो वहां पे आपने ये सिक्योरिटी मिरर देखा होगा। ये क्या करता है, ये एनेबल करता है कि हम वाइड फील्ड ऑफ एरिया जो है वो हम एक छोटी सी स्पेस में देख सकें। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका ये फीचर होता है कि वो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, ठीक है, छोटे से ही एरिया में वो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे देता है। और ये जो व्यू होता है ये इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो भी इस मिरर में बहुत ही इजीली हम देख पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे बात की है व्हीकल्स में जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उनके बारे में, सो आप खुद सोच के देखिए कि आप एक्टिवा में कहीं पे जा रहे हैं एंड आपके पीछे से कोई बस आ रही है, सो वो बस बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी दो बसेस भी होंगी तो वो भी हमें कन्वेक्स मिरर से इजीली देख पाएंगे हम लोग, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे होता है, जहां पे हमें छोटी सी स्पेस में बहुत सारी चीजें देखनी हो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका स्फेरिकल मिरर्स वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम करेंगे साइन कन्वेंशंस, हम अब रूल्स का, अब हम लॉज की बात करेंगे, अब हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है। सो आपके स्फेरिकल मिरर्स का जो टॉपिक है वो यहां पे खत्म होता है, अब हम करेंगे बात साइन कन्वेंशंस के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।